छोटा मुंह है यार, बड़ी बातें हो जाती हैं। रिंकू सिंह ने 325 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। आरसीबी फैंस फिर से रो रहे हैं यार। दूसरे पर थे, अब तो तीसरे पर हो गया। धर्म बकैत वापस आ चुके हैं आईपीएल की एक और बकैती वाली वीडियो के साथ। तो आज के मैच में ये मानना पड़ेगा कि सुनील नारायण वन ऑफ द बेस्ट ओपनर बैट्समैन बन सकते हैं यार वो, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने आज यार ओपनिंग की है, 39 बॉल्स में 85 रन, 7 छक्के, 7 चौके, 217 का स्ट्राइक रेट यार। शुरुआत वो बंदा 100 भी मार सकता था, वो भाई लप्पे चला जा रहा, टीम के लिए खेल रहा था, अपने लिए नहीं टीम के लिए। नॉनसेंस किताब है ये, ये तो सोडी हाथी और भीड़े जैसों के लिए, मेरे लिए नहीं। ये बात तो तय है कि केकेआर को अपना इस सीजन का एक शानदार ओपनर सुनील नारायण के रूप में यार मिल चुका है। इस सीजन की बात नहीं है यार ये, जब गौतम गंभीर शायद 2014 में केकेआर के कैप्टन होते थे तब ये सट्टा खेलते थे कि सुनील नारायण को एज द ओपनर भेज देते थे। इस सीजन वो केकेआर के मेंटर बन चुके हैं, तो उन्होंने एक बार वो फिर से सट्टा खेला है और वो सट्टा यार आज सही साबित हो रहा है। मैं इसको सट्टा नहीं कहूंगा, मैं इसको मास्टरमाइंड प्लान कहूंगा। जिस हिसाब से वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं पावर प्ले में भी सुनील नारायण को, वो बॉलिंग करा रहे हैं और वो बंदा विकेट भी ले रहा है। पावर प्ले में वो विकेट ले रहा है, पावर प्ले में अपना 50 पूरा कर दे रहा है, और इससे ज्यादा एक प्लेयर से आप क्या मांग सकते हो। सुनील नारायण की चटाई के बाद अगर मैच पे सीधा सीधा आ जाए तो भैया केकेआर ने आज पहले बैटिंग ली और आज इस आईपीएल में लगातार दूसरी बार एक रिकॉर्ड बन सकता था जो ऑलमोस्ट 6-7 रन से रह गया। यार एक रिकॉर्ड तो बन ही गया है, पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन 88 रन जड़ दिए भाई। जिस हिसाब से सुनील नारायण खेल रहे थे पागल हो रखे थे। और सुनील नारायण के बाद आज नया प्लेयर उन्होंने डेब्यू कराया रघुवंशी नाम से, जो पहली बार किसी ने देखा, और इतनी शानदार बैटिंग, 5 चौके 3 छक्के, 27 गेंदों में 54, उस बंदे ने अपने डेब्यू में ही जड़ दिया 200 के स्ट्राइक रेट साथ। किसी ने देखा भी नहीं था, किसी को उम्मीद भी नहीं थी। आज वो बैटिंग करने में भी देख रहे थे ये रघुवंशी, और बंदे ने ज्यादा वो फर्स्ट क्लास की मैचेस भी नहीं खेले, 5 या 6 खेले होंगे, उसका सैंपल साइज बहुत छोटा है यार। फिर रघुवंशी के बाद रसल और रिंकू सिंह का तो यार अब मतलब छोटा मुंह है यार, बड़ी बातें हो जाती हैं। रिंकू सिंह ने 325 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की यार। आंद्रे रसल 215, आंद्रे रसल ने शायद 19 बॉल में 41 रन बनाए और रिंकू सिंह ने शायद 8 बॉल में 26 रन बनाए, अपना काम कर दिया। एंड के एंड में वो बैटिंग करने आए थे तब इतने तेज रन चाहिए थे, वो उन्होंने बना के वो चले गए आराम से। काम खत्म, अब चलेगी चिलिंग। इस सीजन देख के लग रहा है इनका हर एक बैट्समैन मारने आ रहा है जिसको मौका मिल रहा है। आंद्रे रसल भी टॉप नॉच फॉर्म में है यार, इतनी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं शानदार। बट हालांकि रसल को जो शान शर्मा ने आज बॉल करा दी, जो तीनों डंडियां उड़ा दी रसल ने, आउट होने के बाद खुद तारीफ की शान शर्मा की शुरुआत में, क्योंकि भाई इनको पीट रहे थे रसल भाई साहब हमारे, पर क्या यॉर्कर डाल दिया। कम बैक तो वो कम बैक ऑफ द, उसके बाद नो लुक कोई सेलिब्रेशन नहीं, ऐसे मुड़ के चले जा रहे हैं। अब पीटे इतने गए थे ना, वो जीत नहीं दिया एज अ बॉलर, वो बहुत ही शानदार एक बॉल पड़ गई बट उससे पहले बहुत कूटे गए। और आईपीएल की हिस्ट्री का सेकंड हाईएस्ट 272 रन आज केकेआर ने ठोक दिया। आरसीबी फैंस फिर से रो रहे हैं, ये दूसरे पर थे अब तो तीसरे पर हो गया, इस क्या इस सीजन में 5वें 6वें पे चले जाएंगे क्या। तो एक विधायक को सरेआम थाने में थप्पड़ मारने के लिए कितना दिन जेल में रहना पड़ता है। पर एसपी साहब हम हो जाएंगे अब तो अंदर ले। डीसी बैटिंग करने आई तो डीसी के तो 4 बैट्समैन टॉप के, तो मुझे पता भी नहीं चला, मैंने आंखें से झपकी तब तक 4 बैट्समैन वापिस जा चुके थे पवेलियन। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? इन 4 विकेट में से सबसे ज्यादा मेरे दिमाग बताए किससे खराब है, मिचेल मार्श। यार तुम परफॉर्म कब करोगे वहां पे? परफॉर्म मिचेल मार्श करेंगे, अभी वर्ल्ड कप आने वाला है। नहीं नहीं, उनको दे दो वो ट्रॉफी के ऊपर पैर रख करके फोटो खिंचा ले और ये कर ले बैच कर ले आकर के। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर मैं सीधा मान लेता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर आईपीएल भाई आईपीएल खेलने नहीं आते, पैसा छापने आते हैं। अभी देखना वर्ल्ड कप में ये जो 0-0 रन पे आउट हो रहे हैं 50-60 मारा जाएगा ओपनिंग में। जब ऋषभ पंत आए ना यार, आज उन्होंने दिल जीत लिया, क्या शानदार बैटिंग की है यार। ये मैच उनके लिए बहुत ही शानदार, एज अ इंडिविजुअल जो उन्होंने बैटिंग की है बहुत ही हैट्स ऑफ यार। बट एज अ इंडिविजुअल अकेला बंदा क्या कर लेता, शायद एक ओवर में उन्होंने सबसे ज्यादा 26 या 28 रन मार दिए, एक भी बॉल डॉट नहीं गई उसमें, 2 छक्के 4 चौके यार। बट अकेला बंदा क्या कर ले, उसने भाई पूरा दम लगा लिया अपनी साइड से, पूरा दम तो लगाया ही, पर एक जो उसने शॉट मारा ना फ्लिक करके बैक की तरफ, नो लुक देखा भी नहीं बंदे ने यार।
बहुत शानदार बैटिंग। फैंस तो डीसी के फैंस को तो भाई कुछ तो मिला यार। डीसी के फैंस तो मतलब डीसी के लिए तो वो ऋषभ पंत इस सीजन में कुछ कर रहा है, इंजरी के बाद, इंजरी भी नहीं कहेंगे, एक्सीडेंट के बाद, इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद वापिस आ रहा है और अकेले दम पे भाई, सिर्फ वही जब तक वो क्रीज पे रहता है तब तक उम्मीद रहती है एज अ डीसी फैन लोगों को, फिर उसके बाद वो चला जाता है तो उम्मीद भी खत्म। हालांकि ऋषभ पंत के साथ शायद स्टब्स ने भी कोशिश की, दोनों ने 50-50 रन बनाए, दोनों ने बहुत ट्राई किया अकेले, बट 273 रन चेस करना भाई इतना बड़ा स्कोर हो गया था। और अगर आपके टॉप बैट्समैन ही नहीं चलते, फोर आउट हो जाते हैं उसके बाद तो कहां ही आप बना पाएंगे, बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट हो गया था। फिर जब वो दोनों आउट हुए स्टब्स और ऋषभ पंत, फिर तो कोई 10 रन भी नहीं बना पाए उनके बाद, प्लेयर यूं विकेट गिरी है, 17 ओवर शायद चल रहा था, ऑल आउट हो गए 166 रन पे। हां मतलब मैच खत्म, पैसा हजम, चलो भाई अगले मैच में आओ। तो अगर बॉलिंग पे आ जाए तो केकेआर की बॉलिंग भी बहुत शानदार रही यार, ओवरऑल बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया यहां पे केकेआर भाई। बट जिन्होंने 24 करोड़ का प्लेयर लिया मिचेल स्टार्क, फाइनली 2 विकेट उन्होंने एक मैच में ले ली है, इम्पॉसिबल सा लग रहा था मुझे, मैंने कहा मैं बिलीव कर पा रहा हूँ अपनी आंखों पे कि नहीं, पर उन्होंने 2 विकेट ली है आज। ओवरऑल केकेआर की बॉलिंग बिल्कुल A1 थी आज, उनकी बॉलिंग मुझे थोड़ी वीक लगती है, बैट्समैन तो उनके मारने वाले हैं यार, उनकी बैटिंग में इतने रन बन गए थे, उसके बाद उनकी बॉलर्स ने सोचा कि भाई अब तो मेरा कॉन्फिडेंस, आंखें बंद करके भी डालते बॉलर तो आज तब भी जीत जाते केकेआर की टीम। तो ठीक है, इसी नोट पे एंड करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आपको किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी है आज। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।